नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी चुनाव वर्ष है और चुनाव चल रहा है। पांचवें चरण का चुनाव संपन्न हो गया। छठे चुनाव में धनबाद एक प्रमुख सीट है जहां चुनाव होना है। ये हॉट सीट होता जा रहा है। कारण, भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस दोनों में कांटे का टक्कर है। जहाँ गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ अपना जनाधार बढ़ाती कांग्रेस अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रही है। मैं आपको कारण बताता हूँ कि क्या कारण रहा है जो धनबाद ऐसे सीट पर कांग्रेस भविष्य देख रही है। आने वाले समय में इस सीट को वो अपनी झोली में देख रही है। पहला कारण है NDA और इंडिया, इस दोनों के बीच सीधी टक्कर है। वैसे तो मासस सबसे पहले ऐसी पार्टी है जिसने अपना कैंडिडेट धनबाद सीट के लिए घोषित किया। जगदीश रवानी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं जिससे धनबाद सीट को जीता जा सके। मैं उस पर भी लौटूंगा और बताऊंगा कि जगदीश रवानी के जीतने का कितना प्रभाव है या कितना संभावना है और वो किस पर असर डाल रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे NDA के जो प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो, उसकी मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। ये मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ जो जनता के बीच से लौटकर मैं आया हूँ। अब इसको ऐसे समझिए कि पहले जमशेदपुर विधायक सरजू राय धनबाद आए और उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की। उनके कहने पर, या यूं कहें उनके साथी कृष्णा अग्रवाल ने ढुल्लू महतो पर एक FIR दर्ज किया, जिससे उन पर FIR की संख्या 50 हो गई, अर्धशतक लग गई। प्रमाण के साथ सरजू राय जब धनबाद पहुंचे और जनता के बीच बात रखे तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन के आधार पर ही उन्होंने ढुल्लू महतो का लाइन लेंथ बिगाड़ दिया। ढुल्लू महतो जिस गांव में रहते हैं चिटाही धाम, वहाँ वो पहुँचे और वैसे लोगों से मिले जो लगातार इनसे पीड़ित रहे हैं। उन्होंने खुलकर बोला कि ढुल्लू महतो से ये सभी परेशान रहे हैं। तो उनकी जो यह यात्रा थी, या यूं कहें वो जो पहुँचे थे चिटाही धाम और लोगों के साथ जो वार्ता हुई और वह धनबाद के लोगों को जो दिखाया गया, तो उनका दिखाने का अर्थ यह था कि जो अपने क्षेत्र में लोगों को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, यदि ये सांसद बन जाएंगे तो धनबाद को किस तरह प्रभावित करेंगे, किस तरह से परेशान करेंगे, ये दिखाने के लिए वो वहाँ गए थे। अब उसके बाद आइए, एक पुराना कहावत है कि जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ढुल्लू की जुबान फिसली। उन्होंने कहा कि धनबाद के सांसद एवं विधायक माफिया से डरते हैं या तो उन्हें मिलता है, फिर क्या था। पहले से नाराज राज सिन्हा खुलकर सामने आ गए, चित्रगुप्त समाज नाराज हो गए, राजपूत पहले ही BJP से नाराज है। अब जनता में एक और मैसेज गया कि राज सिन्हा को BJP की ओर से नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस। नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभी राजपूतों का, भूमिहारों का, आधे ब्राह्मणों का, लगभग 90% मुसलमानों का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त है। हाड़ी समाज ने भी कल एक आयोजन कर भरोसा दिलाया कि कांग्रेस का हाथ वो थामेंगे, उनके हाथ को मजबूत करेंगे। ढुल्लू के मैदान में आने से BJP के पुराने कार्यकर्ता नाराज हैं, भ्रमित हैं। उनका कहना है कि जो वर्षों से BJP का झंडा ढोता रहा है, उन्हें लगता है BJP उसका पट्टा काटना दे। सिंदरी, धनबाद, निरसा सभी विधानसभा के वर्तमान विधायक के करीबी अभी डरे हुए हैं। डर इसलिए क्योंकि ढुल्लू महतो का नाम प्रस्तावित नहीं था, फिर भी उनका नाम एकाएक प्रत्याशी के तौर पर कैसे आ गया। समर्पित कार्यकर्ता का माने तो उनका कहना है कि BJP अब वाजपेयी वाली BJP नहीं रही, सिद्धांत पर चलने वाली, सिद्धांत विहीन पार्टी हो गई है BJP अभी के दौर में, और सिद्धांत विहीन पार्टी का क्या भरोसा। यह इशारा करता है असंतोष का, नाराजगी का, भय का। दूसरी ओर JMM मुस्लिम एवं आदिवासी को पैक कर दिया है।
तो समीकरण कांग्रेस के पक्ष में धनबाद सीट जाता दिख रहा है। आदिवासी हेमंत सोरेन के जेल जाने से नाराज हैं। कांग्रेस एवं उनके सहयोगी दल, यूं कहें इंडिया वाले, यह समझाने में आदिवासियों को सफल रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने में पूरी की पूरी अगर कोई दोषी है तो वो एनडीए गठबंधन की टीम रही है, अर्थात प्रधानमंत्री पर पूरा ठेकरा फोड़ते हुए सहानुभूति वोट अपने ओर लेने का प्रयास किया है। तो धनबाद का समीकरण जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ राजपूत, चूँकि राजपूत एनडीए के विरोध में लगभग पूरे देश में दिख रहा है, धनबाद में अधिक है क्योंकि यहाँ राजपूतों की संख्या अधिक है। मुस्लिम जेएमएम को लेकर साथ है इंडिया के, और जो जेएमएम के यहाँ प्रमुख नेता हैं मन्नू आलम, वो महासचिव भी हैं धनबाद के जेएमएम के, उन्होंने आदिवासियों को पैक कर रखा है और लगातार अध्यक्ष के साथ वो पसीना बहा रहे हैं। तो आदिवासी मुस्लिम दोनों उनके साथ हैं। ब्राह्मण आधे इसलिए कि क्योंकि आधे ब्राह्मण अभी भी हैं जो मोदी जी के साथ हैं, और आधे ब्राह्मण जो अनुपमा के साथ आ रहे हैं। अर्थात जब आप ग्राउंड पर आकर समीकरण देखेंगे तो ढुल्लू के नाम पर वोट देते लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो मोदी के नाम पर हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस के नाम पर यहाँ के लोग वोट देते नज़र नहीं आ रहे हैं। जितने भी कांग्रेस को वोट देने वाले प्रत्याशी हैं वो अनूप सिंह और अनुपमा सिंह को देख कर दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये एक ऐसी साफ सुथरी प्रत्याशी है जो आने वाले समय में धनबाद के लिए कुछ करेगी, या यूं कहें अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ लोग अनूप सिंह या उनकी पत्नी अनुपमा सिंह के साथ जाते नज़र आ रहे हैं। तो कल जो हाड़ी समाज का एक बहुत बड़ा बैठक हुआ वह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त था कि आने वाले समय में अनुपमा सिंह भारी दिखने वाली है। आज के डेट का अगर हम बात करें तो अनुपमा सिंह भारी है। आने वाले समय में यह समीकरण बदल भी सकता है, क्योंकि मोदी जी जहां जाते हैं वहां मत प्रतिशत में बदलाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता का झुकाव हो जाता है। जब से ढुल्लू महतो का नाम प्रस्तावित हुआ है उसके बाद से यहाँ प्रधानमंत्री जी का दौरा नहीं हुआ, इसलिए अभी का डेट, आज के डेट में अनुपमा सिंह भारी नज़र आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्षों से कार्यकर्ता रहे हैं वो नाराज दिख रहे हैं, असंतुष्ट दिख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी वो तो भाजपा में विलय हो गए, परंतु आज भी अंदर खाने वो जेबीएम जो पहले था उनके लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इनका फील्ड तैयार हो सके, और यदि भारतीय जनता पार्टी इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाती है, जैसा कि भाजपा का आदतन है कि वो किसी भी चेहरे को कभी भी ला सकते हैं, लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं, उस समय ये अपना पार्टी अलग करके अपना अस्तित्व दिखा सकें। हमें 4 तारीख का इंतजार करना होगा और यह देखना होगा कि जनता के मन में क्या है, परंतु अभी का जो रुझान था वो मैं आपको बताने का प्रयास किया। और जब दोनों के नीति पर आप बात करेंगे तो बहुत अंतर आप पाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अधिक सक्रिय थे। बूथ स्तर पर जो बूथ प्रमुख होते थे वो लगातार प्रयास करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, परेशान रहती थी, जीतोड़ कोशिश करती थी, परंतु इस बार सक्रियता कम दिख रही है। अब यह देखना होगा 2 दिन के बाद क्या होता है, क्या इसमें परिवर्तन होता है या नहीं, परंतु अभी अनुपमा सिंह भारी दिख रही है। दूसरे जगह अभी चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे वहाँ का क्या रहा है खास, और कुछ समय के बाद हम अपडेट करेंगे गिरिडीह लोकसभा पर। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।